कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। सत्वहीन मनुष्य किस प्रकार के अकार्य तक पहुंच जाते हैं उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए अकार्य से बचना हो तो सत्व को नष्ट ना करें। आज कैसे कैसे अकार्य की लालसा। आज की दुनिया में अकार्य में जुड़ने लायक अनेक संयोग साधन उत्पन्न हो चुके हैं। सत्वशील नहीं बने तो अनेक प्रकार के अकार्य करने हेतु मन लालायित होगा। आज की टैक्स प्रणाली किस प्रकार चोरी करने हेतु लालायित करती है। पर स्त्री को राग से देखने हेतु आज के सिनेमा कितने लालायित करते हैं। आज की स्त्रियों के उद्भट वेश से रूप प्रदर्शन नयनों को कैसे लालायित करते हैं। आज के समय में होटल आदि स्थान किस तरह अभक्ष्य या अनुचित खाने के लिए आकर्षित करते हैं। आज कुछ नया देखने या करने के लिए मन कितना भटकता है। आज के समाचार पत्र दुनिया भर की बातें मन में डालने हेतु कैसे लालायित करते हैं। कितनी ही विकथा पाप कथाओं से मन आर्त ध्यान और असद विकल्पों के कचरे को ग्रहण करता है। आज के मानव इस प्रकार के तुच्छ स्थान और निंदा स्वरूप कचरे करने वाली बातों द्वारा गिराने का कितना भरचक प्रयास करते हैं। ईर्ष्या द्वेष निंदा क्षुद्रता आदि से भरपूर आज का माहौल क्या न करने से बचा सकता है। आज मन को मिथ्या भाव में ले जाने वाले तत्व धिक्कार है इस वर्तमान काल को जिसमें सत्वहीन बनकर पतित हो जाने में कोई देर नहीं लगती। मात्र इंद्रिय के आकर्षण बढ़ गए हैं, आकर्षित करने वाली चीजें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि मन भी मिथ्या भाव में रत हो जाता है। इस प्रकार के समाचार पत्र आदि साहित्य लेखन भाषण वक्तव्य और बातें भी बढ़ गई हैं, जबकि सर्वज्ञ वचन पर श्रद्धा भाव चाज्वल्यमान रहे। ऐसे जीवन संस्कार ऐसा माहौल और ऐसी आचार प्रणाली का कमजोर होने लगी है। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।